क्या बात है केनेची, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? ऐसा नहीं है पापा। अच्छा ये बताइए कि आप मुझे क्या बनाना चाहते हैं? हाँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी लेकिन मैं नहीं बन पाया, लेकिन मैं तुम्हें फायरमैन जरूर बनाऊंगा। क्या तुम बनना चाहोगे? कितना हसीन मौसम है और मैं अकेला बैठा हूँ। आज तो बहुत सर्दी है, मेरी तो जान ही निकल गई। ये क्या? अरे हथौड़ी, क्या पढ़ रहे हो तुम? जरा अखबार में ये आर्टिकल तो देखो। हाँ दिखाओ दिखाओ। अनोखी बात है ना, इतनी सर्दी में ये सब लोग हाफ पैंट और बनियान पहनकर दौड़ रहे हैं। अगर तुम्हें इन कपड़ों में रहने को कहा जाए तो क्या तुम रहोगी केनिची? हथौड़ी मजाक में भी मत कहो। मुझे यकीन है कि आप सबने कल के अखबार में वो लेख पढ़ा होगा जिसमें स्कूल के कुछ लड़कों ने इतनी सर्दी में हाफ पैंट और बनियान पहनकर दौड़ लगाई। क्या आप लोगों में से कोई ये चुनौती ले सकता है? ओ नहीं, ये तो नामुमकिन है सर। सर मैं ये चुनौती लेता हूँ। वाह शाबाश हमारा, तुम बहुत डेयरिंग हो हमारा। और केनिची डरपोक है। डरपोक? मुझे ये चुनौती मंजूर है सर। मुझे भी ये चुनौती मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। ऐसी चुनौती के लिए अपने शरीर को बचपन से ही तैयार करना पड़ता है। अब ऐसी बातें करके मेरा दिल मत तोड़ो। अब तुमने ये चुनौती ली है तो मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा ही ना। तुम चाहे मेरी जितनी मदद कर लो लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो हमारा बाजी मार जाएगा। हाँ तुम निंजा टेक्निक से मेरी मदद करो ना। ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे पास एक लेदर का सूट है, कोई पहचान नहीं पाता क्योंकि वो स्किन कलर का है। तुम मुझे वो दे दोगे ना हथौड़ी? हाँ हाँ। देखो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अरे वाह, तुम सब तो वाकई अपनी चुनौती पर खरे उतरे हो। तुम सबको हाफ पैंट और बनियान में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यस सर, बहुत अच्छे केनिची। ये केनिची ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, जल्दी हार मान लेगा चूहा। अमारा आज भी यही कपड़े तुम्हें ठानने लगती? अरे एक निंजा के लिए ये बहुत ही आसान है। निंजा के लिए? वो मेरा मतलब है हिम्मत से काम लो तो हर काम आसान है। केनिची तुम भी इन कपड़ों में? हाँ बिल्कुल, आज पांचवे दिन भी तुम दोनों यही कपड़े पहन रहे हो। तुम दोनों को ठंड नहीं लगती, तुम वाकई हिम्मत वाले हो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आगे भी कई दिनों तक ऐसे ही आने वाला हूँ। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। ओहो, मैं देख रहा हूँ कि इन कपड़ों में आने वालों की संख्या कम हो रही है। ओहो, एक दो तीन चार, आज पांचवे दिन आधे लोगों ने हार मान ली। मैं दूसरों के बारे में तो नहीं जानता सर, लेकिन इससे भी ज्यादा सर्दी में मैं तो ऐसे ही आने वाला हूँ। जरूर दाल में कुछ काला है। ये 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 ये। ओए ये क्या टंगा कर रखा है? अंदर से काफी गर्म लगता है और अगर मैं गलत नहीं तो कुगा शहर के निंजा ये पहनते हैं। अब मैं समझा, ये लल्लू केनिची हमें बेवकूफ बना रहा था। पता नहीं ये विलन कहाँ से टपक पड़ा। चल कल्टी मार। ए, रुक जाओ। अमारा, तुमने एक आम इंसान को ये निंजा वाले कपड़े देके ना इंसाफी की है। मैंने अपने मर्जी से नहीं दिए, फिलहाल तो मुझे वापस कर दो। दो। अरे इसे भी यही अटकना था। हथौड़ी कल मैं स्कूल क्या पहन कर जाऊंगा? शामत तो मेरी आई है, सिर्फ निंजा को ही ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत है। हथौड़ी अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, सोचो। तुम मेरे दोस्त हो, अब मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तुमने आज भी यही पहना है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? नहीं मैं तो एकदम मजे में हूँ। केनी की ठंड से कांप रहा होगा। बहुत ठंड लग रही है। मैं तो जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। आज के मौसम में थोड़ी गर्मी है ना दोस्तों? आज भी हाफ पैंट में केनी।
मिर्ची, तुमने तो कमाल किया। ओए, इतनी सर्दी में भी आ गया। उस हथौड़ी ने इसे फिर से वही कपड़े पहनाए होंगे। तुम में और हमारा में वाकई बहुत हिम्मत है। तुम्हें सच कहूँ तो मुझे तो इन कपड़ों में भी गर्मी लग रही है। ये झूठा है, असल में इसने एक लेदर सूट पहना है जो स्किन की कलर का दिखता है। मैं अभी तुम सबको दिखाता हूँ, ये देखो। अरे रे, ये तो असल में इसकी स्किन है। इसकी स्किन तो ठीक है, पर तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया हमारा? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ओए, लगता है मैं ही बकरा बन गया। लगता है हमारा के होश ही उड़ गए। मैंने केनिची पर निंजा टेक्निक इस्तेमाल किया है, उसे पता भी नहीं चलेगा। तुम बीच पर धूप सेक रहे हो, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है केनिची। मुझे इन कपड़ों में गर्मी लग रही है। केनिची, तुमने तो मिसाल कायम की है। चलो सब बच्चे इसके लिए ताली बजाओ। आज इतनी ठंड है कि एक निंजा की बैठे बैठे कुल्फी जम जाए। टेक्निक का असर गया। कहा था ना, इसके लिए बचपन से ही शरीर को तैयार करना पड़ता है। मुझ जैसे निंजा का ये हाल हुआ है। कहीं जोश में आकर आप लोग भी ऐसी गलती ना कर बैठना, नहीं तो आपकी कुल्फी जम जाएगी। डिंग 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 डिंग। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसलिए सही निशाना नहीं लग रहा। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बहाने सुनकर। क्या मतलब? सही निशाना खुद नहीं लगाते हो, दोष उसे देते हो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम निशाने लगाने में माहिर हो। लड़कियों की बस की बात नहीं है, बोल देता हूँ। वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। बड़ी बात है। क्या हुआ? सही जगह निशाना। शिंजो, खाना खाने का वक्त हो गया, चलो अंदर चलो। मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा, तुम जाओ। खाना ठंडा हो जाएगा। मुझे तंग मत करो। हम नहीं, तुम हमें तंग कर रहे हो। शिंजो, सब खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भले भाई, आप देख नहीं रहे, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सॉरी शिंजो। बाय बाय, मैं चला। मैं भी जा रहा हूँ। शिंजो, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? आज तो सारे डिब्बे गोल हो गए, अब वो मुझ पर नहीं आसेगी। ठीक कहा तुमने। निशाना लगाने में तो माहिर हो गए, पर क्या तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो? मैं एक निंजा हूँ और ये तो मेरे बाएं पैर का खेल है। इज्जत का सवाल है शिंजो, निंजा टेक्निक से चढ़ जाओ। रहने दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। अभी आता हूँ। चल जा शिंजो। चलो आ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? तुमने मेरी मदद क्यों की? मुझे लगा तुम गिर जाओगे। अच्छा, तो ये है शिंजो की प्रैक्टिस का राज। अब समझ में आया। मुश्किल वक्त कमांडो शक्त। किले 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 किले। इसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, फिर से किले 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 किले। रस्सी फेंको। अरे, मैं तो चलने में कामयाब हो गया। कल सुबह ही जाकर उस लड़की को अपना ये करतब दिखाऊंगा।
यार तुमने बहुत ही अच्छा किया हथौड़ी। कभी कभी छोटों का हौसला बढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ता है शिशि मानो। वाह क्या बात है, कैसा लगा मेरा स्टाइल? एकदम निंजा जैसा। वैसे तुम्हारा भी जवाब नहीं। क्या तुम तो कुछ भी कर सकती हो ना? तुम्हारा मतलब कि मैं टॉमबॉय जैसी हूँ? नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। चलो अच्छा है, दोनों में दोस्ती तो हो गई। निमी अब हम क्या करेंगे शिंजो? काश भले भाई आओते, पर फिक्र मत करो मैं तुम्हें बचाऊंगा अपनी निंजा टेक्निक से। शिंजो अभी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मुझे कस कर पकड़ लो। यहीं पर आकर गिरना। शुक्र है दोनों बच गए। हम कामयाब हुए। हाँ सच में हम कामयाब हुए। हम कामयाब हुए। हम कामयाब हुए। हम कामयाब। इसको अच्छे से छीन लेता हूँ। शिंजो शिंजो बड़े छुपे रुस्तम निकले, मुझे अपनी दोस्त का नाम नहीं बताओगे? मैं कुछ समझा नहीं। शिंजो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों क्या हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं वो जा रही है? शिंजो युमी रुको, युमी। तुम आ गए शिंजो। ये सामान क्यों बांध रखा है? हम शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट हो रहे हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी। युमी अब चले, देर हो रही है। हाँ मम्मी, अपना ख्याल रखना। हम फिर कब मिलेंगे? बाय बाय। मैं जाते हुए उसे ये तोहफा भी नहीं दे पाया। निंग, पहुंचा देता हूँ। शिंजो, इस तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय युमी, अपना ख्याल रखना, तुम बहुत याद आओगी। ये लड़की हवा के ठंडे झोंके की तरह शिंजो की जिंदगी में आई और चली भी गई। शायद ये शिंजो का पपी लव है। डिंग डिंग डिंग।